हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि मोलैरिटी किस तरह से निकालते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने मोलैरिटी निकाला था। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलैरिटी किस तरह से निकालते हैं। तो देखो, ध्यान से समझो। सबसे पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन देख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। की एक किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है कि एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। इसकी यूनिट मैं लिखवा देता हूँ आपको। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? एन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन से लिख रहे हैं, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर किलोग्राम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल्स पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। या फिर एक और यूनिट हो सकती है इसकी, मोलल, सिंपल मोलल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि इफ 0.75 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, 5 किलोग्राम हमारे पास पानी है, उसके अंदर हमारे पास कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्ट के? 0.75 प्रेजेंट है, ठीक है। हमें मोलैरिटी निकालनी है, सिंपल हम मोलैरिटी लिखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एन बाय वी, तो यहाँ पर एन कितना है बच्चों? कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं? 0.75। और वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास? हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, मास है यहाँ पर किलोग्राम में, ठीक है। तो हमें दे रखा है 5 किलोग्राम, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, बस कितनी बार पे कैंसिल हो जाएगा? 15 बार पे। तो 0.15 मोल पर किलोग्राम ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद इसको नोट कर लो, फिर एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ। इफ़ 184 ग्राम ऑफ टोलुइन, टोलुइन TOLUNE, तो C7H8, ये इसका फॉर्मूला है। इफ़ 184 ग्राम ऑफ टोलुइन इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, कि हमने इतने, अब इस बार देखो हमारे पास मोल्स नहीं दे रखे, हमें कुछ और ही दे रखा है, ठीक है, हमें मास दे रखा है हमें। तो ये चीज़ डिजोल्व कर रहे हैं, तो मतलब ये सॉल्यूट हो गया, और जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट हो गया, तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो कैलकुलेट करना है हमें क्या? कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी, इससे पहले हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स लिया था, अपॉन में किलोग्राम जो हमें दिया हुआ था वो लिया था, लेकिन अभी देखो हमारे पास कुछ और दिया हुआ है। हमें ग्राम में दिया हुआ है टोलुइन और 1000 ग्राम दिया हुआ है बेंजीन, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? देखो, एन को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास, ठीक है, और अपॉन में किलोग्राम है यहाँ पर, तो इसको मैं इस तरह से खोल के लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, मैं यहाँ पे ग्राम ले रहा हूँ, ऊपर 1000 चला जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ग्राम में, ऊपर 1000 चले जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बच्चों हमें? 184 ग्राम में। मोलर मास हमें निकालना होगा किसका? सॉल्यूट का ही, तो C7H8, तो इसका क्या होगा? एटॉमिक मास 12 × 7 × 8, तो 12×7 = 84 और 8 कितना हो गया ये? 92, ठीक है। यहाँ पे 92 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में कितना बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 1000 दे रखा है, ग्राम में, देखो ग्राम में ना, ग्राम में ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे कैंसिल हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार पे? 2 बार पे कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ रहा है हमारे पास? 2 मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है, या मोलल, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? मोलैलिटी आ जाएगी। ये सिर्फ उन बच्चों को करवा रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ही बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है। व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है ना? पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH is dissolve in 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट हमें ग्राम में दिया होता है, ठीक है, मिलीलीटर में दिया, तो चेंज कर लेना ग्राम में।
अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मोलैलिटी का बच्चों, मोलैलिटी क्या हो जाएगा हमारा मास। अब देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए तो हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे एन बाई किलोग्राम वाला, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मास किसका, सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ बच्चों क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास लेना है किसमें, ग्राम में। अब ग्राम में लेंगे तो ऊपर थाउजेंड चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हम सॉल्व करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट का रखा है बच्चों मेरे पास, सॉल्यूट क्या है जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 हमारे पास हो जाएगा। मोलर मास निकालेंगे इसी का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो एन ए ओ एच का मोलर मास निकालना है। एन ए का होता है एटॉमिक मास 23, सोडियम इसका होता है ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो 40 आ जाएगा, 40 एम यू। ठीक है, 40 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे 40, यहाँ पे ऊपर 1000 तो है ही, यहाँ पे नीचे 500 है, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों कितनी बार पे, 2 बार पे, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार पे, 2 बार पे, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार पे। ठीक है, तो आपके पास 1 मोल पर किलोग्राम या फिर मोलर, ये क्या आ गई आपकी मोलैलिटी आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, पिछली वीडियो में भी दिया था मैंने होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करना है, आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन है बच्चों 25 ग्राम ऑफ KNO3 इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पोटेशियम का होता है एटॉमिक मास 39, ठीक है, और नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का होता है आपका 16। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।